हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी डॉट डिजाइन। इस वीडियो में हम लोग बीवेल गियर का डिजाइन करने सीखेंगे और उसका एनिमेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हम लोग असेंबली में जाएंगे, आइसोमेट्रिक असेंबली पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे सॉलिड एज ST9 असेंबली फाइल ओपन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टूल में जाएंगे। इस टूल में आप यहाँ टूल बार में देख रहे हैं, यहाँ टूल, इस टूल पे क्लिक करेंगे। टूल पे क्लिक करने के बाद इंजीनियरिंग रेफरेंस में जाएंगे। इस इंजीनियरिंग रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। शाफ्ट डिजाइनर है, कैम डिजाइनर है, स्पर गियर डिजाइनर है, बीवल गियर डिजाइनर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बीवल गियर डिजाइनर। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, एक आपके पास मैसेज आएगा कि ये जो फाइल खुला हुआ है इसको पहले आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे ओपन ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो सेव में जाएंगे, आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे बीवल गियर विथ एनिमेशन असेंबली 1 के नाम पे सेव कर देता हूँ। ये फाइल मेरा सेव हो चुका है। अब हम लोग फिर इंजीनियरिंग रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीवल गियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीवल गियर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है कि आपको कुछ इनपुट वैल्यू देना है, जैसे कि गियर रेशियो कितना रखना चाहते हैं, प्रेशर एंगल कितना रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितना रखना चाहते हैं। तो कुछ इनपुट वैल्यू डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके हमारा गियर रेडी कर देगा, गियर तैयार कर देगा। उसका डायमीटर उसको कितना रखना है वो खुद कैलकुलेट कर लेगा वो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या होता है कि अगर एक कंप्लीट गियर अगर एक रोटेशन करता है तो पिनियन आपका कितना रोटेशन होगा। तो अगर आप 5 रखना चाहते हैं तो 5 होगा, 4 रखना चाहते हैं तो 4 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि गियर जब कंप्लीट 1 रोटेशन पूरा करेगा तो उस समय तक पिनियन मेरा 4 टाइम्स रोटेट कर जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो, अगर हम 5 रखेंगे तो 5 टाइम्स रोटेट कर जाएगा। चलिए हम यहाँ पर 5 कर दिए। उसके बाद है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल का वैल्यू हम लोग जनरली 14 से 20 डिग्री के बीच रखते हैं। प्रेशर एंगल क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं AL प्रेशर एंगल को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए AL प्रेशर एंगल को दिखा रहा है। इट इज द एंगल बिटवीन द प्रेशर लाइन एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्कल ऑफ टू मेंटिंग गियर। ये देखिए टू टीथ ऑफ गियर का जो मेंटिंग पॉइंट है, यहां से प्रेशर एंगल, प्रेशर लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग प्रेशर एंगल बोलते हैं। जनरली ये 14 से 20 डिग्री के बीच रखा जाता है। अगर हम लोग प्रेशर एंगल ज़्यादा रख देंगे तो हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, तो इसलिए हम लोग जनरली 14 से 20 के बीच रखते हैं। तो यहाँ पे 20 ही रहने देते हैं। स्पायरल एंगल 0, शाफ्ट एंगल ऑलवेज 90 डिग्री। अब यहाँ मॉड्यूल बोल रहा है। मॉड्यूल आपको पता है क्या होता है कि पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो मॉड्यूल का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग का 4 है, यहाँ पे 4 कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे पिनियन का देखिए कि आप पिनियन का कितना टीथ रखना चाहते हैं। मान लेता हूँ मैं पिनियन का 30 टीथ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 30 कर दिया। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैं पिनियन का 30 किया, गियर का ऑटोमेटिक 150 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि गियर कंप्लीट 1 रोटेट पूरा करेगा तो वो 5 टाइम्स रोटेट कर जाएगा पिनियन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएम माउंटिंग होल कितना रखना चाहते हैं, 15 mm या 20 mm। तो मैं 15 mm ही छोड़ देता हूँ, मतलब गियर के बीच में जो शाफ्ट असेंबल होगा उस शाफ्ट का डायमीटर कितना होगा, 15 mm, मैं 15 mm छोड़ देता हूँ। फेस ऑफ ब्रिथ, मतलब गियर का चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं आप, 20 mm या फिर 25, मैं इसको 25 कर देता हूँ। पावर कितना रखना चाहते हैं आप, 10 Nm का टॉर्क हो गया। इफिशियंट 0.9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, आप किस मटेरियल का गियर बनाना चाहते हैं, तो इस मटेरियल पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा मटेरियल का ऑप्शन है, जो भी मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम अभी यूज कर रहे हैं इसको 3% क्रोमियम और वेनेडियम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। गियर का मटेरियल क्या रखना चाहते हैं, तो मैं EN21, ठीक है। इसका देखिए स्ट्रेस कितना है, 264 है, और बेंडिंग स्ट्रेस 308 है, यानी 308 है। ओके कर देते हैं।
ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का जो गियर का डिजाइन है, जी गियर का जो पैरामीटर है, वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हम लोग का गियर का जो हम लोग डाले थे इनपुट डाटा, उसके हिसाब से हम लोग का गियर पास हो चुका है। मतलब ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करना पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे अगर क्रिएट पे क्लिक करते हैं, उससे पहले हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो गियर का रिपोर्ट है वो हम लोग का सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीवल गियर रिपोर्ट, इसको यहाँ सेव कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पिनियन का ड्राइंग आ चुका है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। जनरली सेव पे क्लिक करेंगे, ये मेरा पिनियन सेव हो गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गियर भी हम लोग का डिजाइन हो चुका है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का बीवेल गियर जो है पूरा वो रेडी हो चुका है। अलग अलग व्यू में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा बीवेल गियर रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो रिपोर्ट, ये गियर है मेरा पूरा और ये मेरा पिनियन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो रिपोर्ट आया था उसे ओपन करके देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। यहाँ मेरा जो रिपोर्ट हम लोग सेव किए थे बीवेल गियर का, उसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो ये देखिए मेरा रिपोर्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं सॉलिड एज इंजीनियरिंग रेफरेंस। यहाँ पे हम लोग का इनपुट डायमेंशन देखिए क्या क्या हम लोग डाले थे, इनपुट पैरामीटर क्या क्या था हम लोग का। हम लोग गियर रेशियो कितना रखे थे, 5 रखे थे। प्रेशर एंगल 20 रखे थे। शाफ्ट एंगल 90 रखे थे। मॉड्यूल 4 रखे थे हम लोग, ठीक। इफिशियंट 0.92, अच्छा रफनेस फैक्टर 1 रखे थे। इतना चीज़ हम लोग का गिवन डायमेंशन था। तो अब हम लोग का देखते हैं कि कैलकुलेशन पैरामीटर क्या क्या आया। कैलकुलेशन पैरामीटर में देखिए एफिशिएंसी 0.92 आया। पिनियन का जो टीथ आया वो 30 नंबर ऑफ टीथ है। जो वहाँ पे होल है शाफ्ट असेंबल करने के लिए, माउंटिंग होल डायमीटर जो 15 mm। इसी तरह से हम गियर का देखिए नंबर ऑफ टीथ 150 मॉड्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेट रिजल्ट में क्या क्या आया। देखिए नॉर्मल प्रेशर एंगल 20 है। नॉर्मल मॉड्यूल जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करके दिया वो 3.84 है। हम लोग डाले थे 5 पर वो लिया कितना 3.84। ऑपरेटिंग प्रेशर एंगल 20 है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस 1525 है। जो बीवेल और गियर के, सॉरी पिनियन और गियर के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो इतना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सर्कुलर पिच 12 mm है। ये हम लोग का आउटपुट है, जो गियर हम लोग जो इनपुट डाटा डाले थे उसके हिसाब से जो गियर का डिजाइन किया गया वो इस डायमेंशन पे गियर का डिजाइन किया गया। स्पीड देखिए मैक्सिमम स्पीड हम लोग को मिल रहा है 5700 यानी 6000 के आसपास RPM। ये पिनियन का स्पीड मिल रहा है 6000 के आसपास, और गियर का स्पीड देखिए 1100 के आसपास मिल रहा है। टॉर्क हम लोग का 50 न्यूटन मिल रहा है। तो इतना सारा पैरामीटर है गियर का। देखिए यहाँ पे बेस डायमीटर, हम लोग गियर का डायमीटर नहीं डाले थे लेकिन वो कैलकुलेट कर लिया अपने हिसाब से 563। पिनियन का भी डायमीटर देख लिए, कैलकुलेट कर लिया 112। आउटसाइड डायमीटर 127। पिच डायमीटर 120। थिकनेस 6 mm, टूथ का 600। ये सारा चीज़ हम लोग का गियर का पूरा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन कि ये गियर मेरा रोटेट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रैग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं एक बार मैनुअली देखने के लिए। जैसे ही ड्रैग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ड्रैग कंपोनेंट रोटेट, इस पर क्लिक करने के बाद इस गियर को क्लिक करेंगे और हम लोग जनरली जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे और ये देखिए रोटेट करवा के देख रहे हैं ये मेरा रोटेट कर रहा है। चलिए यहाँ रिसेट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिमुलेशन करते हैं, एनिमेशन करके देखते हैं कि इसका एनिमेशन होता है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए जो टूल बार है उसमें रोटेशनल मोटर है। इस रोटेशनल मोटर पे क्लिक करेंगे। रोटेशनल मोटर पे क्लिक करने के बाद हम लोग किस में आप रोटेशन देना चाहते हैं, इनपुट किस में देना चाहते हैं,
मैं मान लेता हूं कि इनपुट देना चाहता हूं मैं गियर में, तो इस गियर पे क्लिक करेंगे। गियर पे क्लिक करने के बाद ये आपका डायरेक्शन मांग रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड क्या होगा आपका, 120 डिग्री पर सेकेंड, लिमिट कितना, लिमिट हम लोग 360 डाल देते हैं, पूरा रोटेशन वन कम्प्लीट, इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद अब हम लोग इसका सिमुलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग सिमुलेटर, सिमुलेट मोटर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रोटेशन वन आ गया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिस जनरली इसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, प्ले करते ही आप देख सकते हैं कि यह मेरा गियर रोटेट करने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा गियर मेरा रोटेट कर रहा है। इस तरह हम लोग डिजाइन कर सकते हैं गियर का, बेवल गियर का।